हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू कन्वर्ट क्यूबिक फीट एंड क्यूबिक मीटर टू ब्रास। दोस्तों ये हमें बहुत बार करना पड़ता है क्योंकि हमारे जो ट्रैक्टर है, ट्रक है, ट्रॉली है, उसमें जो भी सामान जो आता है जैसे रेत है, सैंड है, एग्रीगेट है, वो सारे जो आते हैं वो ब्रास में आते हैं या फिर क्यूबिक फीट में आते हैं। ठीक है, ज्यादातर दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सप्लायर होते हैं, वो ब्रास में बताते हैं कि इतना ब्रास हमने भेजा है। तो ब्रास को क्यूबिक फीट में कैसे कन्वर्ट करें या फिर क्यूबिक मीटर को ब्रास में कैसे कन्वर्ट करें, वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको उसकी सारी डिटेल देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट जो है रूप बता देता हूं कि देखिए ये याद रखने वाले फैक्ट है। सबसे पहले आप याद रख लीजिए कि 100 क्यूबिक फीट जो है, राइट, 100 क्यूबिक फीट बराबर एक ब्रास होता है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये याद रख लीजिए, हमेशा आपको ये काम पड़ने वाला है। 100 क्यूबिक फीट बराबर एक ब्रास। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कि 100 क्यूबिक फीट बराबर हमारा एक ब्रास होता है। ठीक है, और दोस्तों और दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो है कि एक ब्रास जो है बराबर 2.83 क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, एक ब्रास बराबर 2.83 क्यूबिक मीटर या फिर एक क्यूबिक मीटर बराबर 0.35 ब्रास। ठीक है, ये दो चीज, तीन चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। दो चीजें भी आप याद रख सकते हैं, या फिर ये याद रखिए और ये याद रखिए, या फिर तीनों याद रखिए, तीनों आपको काम पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं कुछ कन्वर्ट करके आपको बताता हूं कि इसका यूज कैसे करना है। सपोज, राइट, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास हमारे जो साइट पर दोस्तों करीबन आई 500 क्यूबिक फीट जो है, 500 क्यूबिक फीट हमारे साइट पे सैंड डिलीवर हुई है। ठीक है, तो सैंड 500 क्यूबिक फीट है तो कितना ब्रास होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, 500 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो समझ लीजिए आपके साइड पे 5 दोस्तों ब्रास सैंड आई है। ठीक है, 5 ब्रास सैंड आई है। ठीक है, उसी तरह से कोई भी वैल्यू होगी, 1500 डिवाइड बाय करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1500 करेंगे, 1500 क्यूबिक फीट आएगा तो ये 15 ब्रास हमारी सैंड आ जाएगी। ठीक है, बट अब इसका अगर उल्टा हम करेंगे, ठीक है, अगर हम सोचे कि हमारे साइट पे सपोज हमारे साइट पे 8 ब्रास सैंड आई है। ठीक है, अगर 8 ब्रास सैंड आई है तो कितना क्यूबिक फीट हमारे क्यूबिक फीट सैंड आई है वो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल, हमको पता है कि एक ब्रास बराबर, ठीक है, एक ब्रास बराबर 100 क्यूबिक फीट होता है, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मतलब 800 क्यूबिक फीट सैंड हमारे साइट पे आई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, जब दोस्तों हमें ब्रास से हमें जाना हो क्यूबिक फीट में, तब मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, और जब क्यूबिक फीट में से हमें आना है ब्रास में तब हमें डिवाइड बाय, राइट, हमको क्या करना है, डिवाइड बाय 100 करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्यूबिक फीट था तो हमें ब्रास में आना था, तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 100। यहाँ पे दोस्तों मुझे ब्रास था, मुझे आना था क्यूबिक फीट में, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, उस तरह से मीटर वाला भी हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसने भी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि हमारी जो साइट है, ठीक है, वहां पर 10 क्यूबिक मीटर सैंड आई है। ठीक है, 10 क्यूबिक मीटर सैंड आई है, तो मुझे पता करना है कि कितना ब्रास या फिर कितनी ब्रास सैंड आई है। तो सिंपल मुझे क्या करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, 10 को 2.83 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी करीबन 3.57 ब्रास।
ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक ब्रास बराबर 2.83 क्यूबिक मीटर है, तो 10 ब्रास को हमको 10 ब्रास बराबर कितने 10 क्यूबिक फीट बराबर कितना ब्रास होगा, तो 2.83 से हम डिवाइड करेंगे तो 3.5 ब्रास यहाँ पे हमारी सैंड आ गई। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे साइट पे दोस्तों अगर 3.5 या फिर 4 ब्रास हमारे साइट पे दोस्तों सैंड आई है, अगर 3.5 ब्रास सैंड आई है, ठीक है, हमारे साइट पे 3.5 ब्रास अगर सैंड आई है, तो हमें कैलकुलेट करना है कितना कितनी क्यूबिक फीट यहाँ पे कितनी क्यूबिक मीटर यहाँ पे सैंड आई है। तो दोस्तों अब अगर हमारे साइट पे 3.5 ब्रास सैंड आई है, ठीक है, तो हमें क्या करना है 0.35 से उसको डिवाइड कर लेना है, तो 3.5 डिवाइड बाय 0.35, तो ये हमारे आ जाएगी 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, जब हमें क्या करना है इसके अंदर कि हमें ब्रास में से क्यूबिक मीटर में जाना है, तब हम डिवाइड करेंगे 2.83 से, और जब हमें क्यूबिक जब दोस्तों हमें क्यूबिक मीटर में से ब्रास में जाना है, तब हम डिवाइड करेंगे 2.83 से, और जब हमें ब्रास में से जाना हो क्यूबिक मीटर में, तब हम डिवाइड बाय करेंगे 0.35। ठीक है, इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है दोस्तों, आपको याद रखना है जब भी हम यूनिट कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ब्रास में से फीट में या फिर फीट में से ब्रास में या फिर ब्रास में से क्यूबिक फीट में जाएंगे, तब इतना कैलकुलेशन आपको याद रखना है। पहला याद रखना है आपको कि 100 क्यूबिक फीट बराबर एक ब्रास होता है, या फिर एक ब्रास बराबर 100 क्यूबिक फीट, इतना सिंपल याद रख लेना है। एक ब्रास बराबर 2.83 क्यूबिक मीटर होता है, या फिर एक क्यूबिक मीटर बराबर 0.35 ब्रास होता है, उस हिसाब से ये कैलकुलेशन आपको करना है। बहुत ही इजीली आप ये कैलकुलेट करोगे, और जैसे आप रेगुलर यूज में इसको करोगे तो आपको ये मतलब ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा, और आप इजीली फटाफट ये कैलकुलेशन कर पाओगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।